ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको एक ऐसी विचित्र मोहिनी दूंगा जो कि किसी को भी पल भर में आपके अनुकूल कर देगी। ये इतनी प्रभावी है कि पहले ही दिन से आपको असर दिखाना शुरू कर देती है। लाखों लोगों पर आजमाने के बाद ये मंत्र मैं आपको दूंगा। इसका कभी भी दुरुपयोग ना करें। दुरुपयोग की अवस्था में ये आप पर हावी हो जाएगा और इस मंत्र की जो सावधानियां हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा। जब सावन मास लगता है तो इस पूरे सावन मास में आप कभी भी आकर्षण का कर्म कर सकते हैं। मोहिनी, वशीकरण और आकर्षण, ये तीनों कर्म आप सावन में कर सकते हैं। बिना सावन के हमें दिशा निर्धारित करनी पड़ती है कि सुबह हम वर्षा ऋतु बनाते हैं तो सुबह के समय जब सावन नहीं होता उस समय हम सुबह को सावन मानते हैं। तो अब सावन लगे हुए हैं तो इसमें कोई भी आपको जो है नक्षत्र नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, बस आप मंत्र पकड़िए और उसको जपिए, ये साधना कीजिए और उसके बाद आपके बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। ऐसे बहुत से मंत्र हैं जो कि सिर्फ सावन में काम करते हैं और आज मैं आपको वही मोहिनी मंत्र दूंगा जो कि लाखों सालों से छुपाया गया था आम जनता से ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। जब भी मैं किसी को मोहिनी मंत्र देता हूं तो जो मेरा भाव है वो ये रहता है कि सामने वाला जो है वो कभी भी इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेगा। कई ऐसे भी साधक आते हैं जो नए नए साधक होते हैं, दो तीन दिन इस साधनाओं करते हैं और फिर उन्हें वो रिजल्ट नहीं दिखता तो वो पीछे मुड़ जाते हैं। और कुछ ऐसे भी साधक होते हैं जो कि इस साधना के जरिए साधना में इतने आगे बढ़ गए हैं कि उनको भगवत कृपा की प्राप्ति हो गई है। तो ये आपकी मेंटालिटी पर है, आप कैसा सोचते हैं। आप जैसा सोचोगे आपको वही दिखेगा चारों तरफ। तो सकारात्मक सोच के साथ इस साधना को शुरू कीजिएगा और फिर देखिए किस तरह से आपके बिगड़े हुए काम बनते हैं। तो मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम आयम ह्रीम क्लीम कामाख्याय स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से, ओम आयम ह्रीम क्लीम कामाख्याय स्वाहा। इस मंत्र का आपको प्रतिदिन 108 की संख्या में गुम्फन करना है और ये इतना प्रभावी है कि पहले ही दिन से आपके जितने भी काज होंगे उन सबको सफल कर देगा। इस मंत्र से नाना प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। सावन काल में मोहन, उच्चाटन, विदेशन, मारण, इन सब कर्मों को आप इस एक मंत्र से सिद्ध कर सकते हैं। आपको बस करना यह है कि अभी जो सावन चलेंगे इनमें इस मंत्र का जाप अत्यधिक कीजिए। अगर आप त्रिकाल संध्या में इसको जप पाएं तो बहुत बेहतर है, अन्यथा आप एक माला रोज कर सकते हैं। इसके नियम कुछ ऐसे रहेंगे कि आपको जो है सात्विक रहना पड़ेगा। जब तक सावन चले तब तक सात्विक रहिए या फिर पूरी उम्र रहिए, वो आप पर डिपेंड करता है। कोई भी मांस मदिरा इसका सेवन ना करें, धूम्रपान ना करें, कोई भी ऐसा नशीला पदार्थ जो है, चाहे वो गुटखा हो, सुपारी हो, इन चीज़ों का जो सेवन है वो वर्जित है साधना काल में। तो बिल्कुल स्वस्थ रहें और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। जब भी बैठें तो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के बैठें। इससे आपके भीतर कुछ ऐसी शक्तियाँ आएंगी जो कि अकल्पनीय है। आप अपने भीतर कुछ ऐसा महसूस करेंगे कि आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए और इस मंत्र का गुम्फन कीजिए। गुम्फन करने के लिए आपको
एक ऐसा हवादार कमरा चाहिए होगा जहाँ पर आसपास कोई ना आता जाता हो। जब आप साधना काल में बैठे हो तो आपके समीप कोई ना हो। एकांत में इसको कीजिएगा और इसके जो वस्त्र होंगे वो लाल होंगे। लाल वस्त्रों से आप मातेश्वरी को सजाएं, उनकी प्रतिमा रखें, कोई फोटो रखें और स्वयं भी लाल कपड़े पहन लें और उसके बाद लाल फूलों से माँ का श्रृंगार करें और उसके बाद आप इस मंत्र का गुंफन करना शुरू कर दें। यदि आप संख्या ना गिन पाएं कि मैं दिन में कितने मंत्र कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आप इसको बिना संख्या गिने भी कर सकते हैं। बस यथासंभव जितना आप कर पाएं उतना आप कर दीजिए। सरलता से जो आपसे हो पाए बस उतना जाप कीजिए और आखिर में मातेश्वरी से कहिए कि मुझसे जो हो पाया वो मैंने किया और मेरा जो इच्छित फल है, जो भी आप चाहते हैं, वो उसके बाद आपको बोलना है मंत्र के बाद। तो ऐसा भी पाया गया है कि एक दो दिन में ही असर दिखना शुरू हो जाता है। चाहे पहाड़ जितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना हो, वो भी इस मंत्र से दूर होती हुई दिखी है। और ये मंत्र कुछ ऐसे हैं जो कि विरले ही किसी को दिए जाते हैं। जब तक पार्थ की सार्थकता को ना देख लिया जाए तब तक ये मंत्र नहीं दिए जाते। लेकिन अब ज्ञान पाना बहुत आसान हो गया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से संजोते हैं। सब कुछ आपके सामने है, बस आपको साधना करनी है। यदि किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आए तो मुझे कॉल कर सकते हैं 999-284-1625 पर, या मेरी वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पर आप चैट कर सकते हैं या फिर फॉर्म भर के अपनी जो भी परेशानी है वो भेज सकते हैं। वेबसाइट होगी sirstops.com। धन्यवाद।